कारी नकुड़ को धमकी देने वाले शख्स को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला रहा, कहां से आपने गिरफ्तार किया है और किस तरह का ये शख्स? ये जो 10 तारीख है, 10 जुलाई को एक थाना नकुड़ पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी एसडीएम नकुड़ द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति द्वारा निरंतर उन्हें कॉल किए जा रहे हैं और जो है बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करना एवं धमकियां देना उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इस संबंध में जब थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो नंबर से कॉल्स आ रहे थे निरंतर, उनकी जब जांच पड़ताल की गई सर्विलांस के माध्यम से, तो पुलिस को और भी 2-3 नंबर प्रकाश में आए जिससे जो अभी वो अभियुक्त प्रयोग कर रहा था। इनकी जब लोकेशंस ली गई और इनकी जब बी पार्टीज का भी जब जांच पड़ताल की गई, तो ये व्यक्ति कंटिन्यूस मूवमेंट में था, तो इसे हमने सरदना मेरठ से गिरफ्तार किया है। ये जो व्यक्ति है, पूर्व में अपने आप को संजय सिंह बता रहा था, एफआईआर भी जो है वो संजय सिंह नाम के व्यक्ति जो कि देवरिया का रहने वाला है उसके विरुद्ध पंजीकृत की थी। जब ये गिरफ्तार हुआ, इसके कब्जे से 11 सिम पुलिस को प्राप्त हुई है और 3 मोबाइल फोन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि वो सिम भी इंक्लूडेड है जिससे उसने जो है एसडीएम मैडम को कॉल किया था। ये अपना इसका जो रियल नेम है अपने चंदन सिंह बता रहा है, ये रहने वाला बलिया का है, पूर्व में भी ये इस तरह की घटनाएं कर चुका है, इस पर टोटल 23 मुकदमे हैं। वर्तमान में ये थाना जंगा जनपद गोरखपुर से 15,000 रुपये में का जो है गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है। 13 जुलाई को सहारनपुर पुलिस द्वारा भी इस पे 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, क्योंकि ये अपनी पहचान छिपाए हुए था, तो 25,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 13 तारीख को किया गया था। पुलिस इसकी निरंतर तलाश में थी, तो आज इसे जो है सरदना मेरठ से गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय इसे पेश किया जा रहा है। ये जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो अपने आप को जनप्रतिनिधियों का पीए बताकर इस तरह की घटनाएं पूर्व में कर चुका है और एसडीएम नकुड़ को भी ये जो है कृषि मंत्री जी का पीए अपने आप को बता रहा था और जो है लोकल प्रधान जो हैं एक उनसे इसने काम करने के 15,000 रुपये भी ट्रांसफर अपने अकाउंट में लिए थे, उसकी भी वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा की गई है और आज इसे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कारी नकुड़ को धमकी देने वाले शख्स को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला रहा, कहां से आपने गिरफ्तार किया है और किस तरह का ये शख्स? ये जो 10 तारीख है, 10 जुलाई को एक थाना नकुड़ पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी एसडीएम नकुड़ द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति द्वारा निरंतर उन्हें कॉल किए जा रहे हैं और जो है
बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करना एवं धमकियां देना उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इस संबंध में जब थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो नंबर से कॉल्स आ रहे थे निरंतर, उनकी जब जांच पड़ताल की गई सर्विलांस के माध्यम से, तो पुलिस को और भी दो तीन नंबर प्रकाश में आए जिससे जो अभी वो अभियुक्त प्रयोग कर रहा था। इनकी जब लोकेशंस ली गई और इनकी जब बी पार्टीज का भी जब जांच पड़ताल की गई, तो ये व्यक्ति कंटिन्यूस मूवमेंट में था। तो इसे हमने सरदना मेरठ से गिरफ्तार किया है। ये जो व्यक्ति है, पूर्व में अपने आप को संजय सिंह बता रहा था। FIR भी जो है वो संजय सिंह नाम के व्यक्ति जो कि देवरिया का रहने वाला, उसके विरुद्ध पंजीकृत की थी। जब ये गिरफ्तार हुआ, इसके कब्जे से 11 सिम पुलिस को प्राप्त हुई है और 3 मोबाइल फोन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि वो सिम भी इंक्लूडेड है जिससे उसने जो है SDM मैडम को कॉल किया था। ये अपना इसका जो रियल नेम है अपने चंदन सिंह बता रहा है। ये रहने वाला बलिया का है। पूर्व में भी ये इस तरह की घटनाएं कर चुका है। इस पर टोटल 23 मुकदमे हैं। वर्तमान में ये थाना जंगा जनपद गोरखपुर से 15,000 रुपये में का जो है गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है। 13 जुलाई को सहारनपुर पुलिस द्वारा भी इस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, क्योंकि ये अपनी पहचान छिपाए हुए था। तो 25,000 रुपए का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 13 तारीख को किया गया था। पुलिस इसकी निरंतर तलाश में थी, तो आज इसे जो है सरदना मेरठ से गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय इसे पेश किया जा रहा है। ये जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो अपने आप को जनप्रतिनिधियों का PA बताकर इस तरह की घटनाएं पूर्व में कर चुका है, और SDM नकुड़ को भी ये जो है कृषि मंत्री जी का PA अपने आप को बता रहा था, और जो है लोकल प्रधान जो हैं एक, उनसे इसने काम करने के 15,000 रुपये भी ट्रांसफर अपने अकाउंट में लिए थे, उसकी भी वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा की गई है और आज इसे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।